सर गुड मॉर्निंग। सुपर हिट सोमवार के बाद क्या आज हमें टेरिफिक ट्यूसडे के लिए तैयारी करनी चाहिए सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कल की अच्छी तेजी के बाद आज थोड़े मिले जुले से कारोबार वाले बाजार रह सकते हैं, जहां एक और एफआई के आंकड़ों का संकेत दमदार है। कल शानदार क्लोजिंग के लिए ब्रेकआउट की तैयारी एक और करते हुए दिखाई निफ्टी पर हम। उसके अलावा थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, टेक्निकली बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर आज जिस तरह से SNB 50 नीचे दिख रहा है, कमजोर शुरुआत होगी, थोड़ा नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे तो वहां से खरीदारी होती दिखेगी। अब दोनों तरफ की बात मैं इससे कर रहा हूँ कि थोड़ी अपसाइड भी लिमिटेड है। उसकी वजह यह कि थोड़ा डाउ फ्यूचर्स वापस आपके कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि कच्चे तेल को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ रही है। $122 के आसपास कच्चा तेल पहुंचना ये हमारे बाजारों के लिए ठीक नहीं है। तो महंगाई को लेकर थोड़ा बहुत जो हम कंफर्टेबल फील कर सकते थे कि चलिए वापस से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी वजह से महंगाई कम होगी, लेकिन कच्चा तेल अगर फिर से बढ़कर आता है तो ये चिंता की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बाजार के अपसाइड को भी थोड़ा लिमिट करेंगे। इसी लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बोल रहा हूँ, हालांकि थोड़ा दूर का है लेकिन वो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए हो सकता है। वो है 16,400-16,500 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में आने के बाद बाजार में अच्छी खरीदारी होगी और एक हजार पर की एक तरफा तेजी के बाद हल्का फुल्का करेक्शन हो जाए तो कुछ खास गलत बात भी नहीं है। ऊपरी स्तरों पर एक बार 16,700 को पार करके आपके तो 16,725 की वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है और वहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,100-36,300 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मिले जुले कारोबार के लिए तैयार हुई है और वैसे भी आप देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। एक तरफा 1,000 पॉइंट का रनअप देने के बाद थोड़े से बाजार यहाँ पर वक्त बिताने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त बिताने की कोशिश में आपको रेंज के दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गैप से नीचे खुले तो खरीदारी आ जाएगी और कम गैप से खुले तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और वापस बाजार दोनों तरफ का ट्रेंड दिखाएंगे। जी हाँ, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो ऑल इन ऑल इतना घबराने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात तो ये है जो पॉजिटिव नोट पर देखना चाहिए कि दोनों तरफ के ट्रेड्स का यहां पर मौका मिलेगा, लेकिन रेंज को ऑफकोर्स पकड़ के चलिएगा। सर ने जो लेवल्स बताई हैं मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूं। निफ्टी पे 16,400-16,500 एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का आज काम करेगा। थोड़ा मार्केट जैसे सर ने कहा कि अगर डिप पे खुलते हैं तो वहां पर कुछ खरीद का मौका मिल सकता है। 16,750-8,25 आज ये एक अपर बैंड साबित होगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में वही 35,100-300 ये आज आपके लिए सपोर्ट रेंज का बेस रेंज का काम करेगी और 36,100-36,300 ये एक रेजिस्टेंस रेंज होगी। तो ये 1,000 पॉइंट का जो दायरा है इस बैंड में आज आपको बैंक निफ्टी में कमाई करने के दोनों तरफ से मौके मिलेंगे। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो कोई ऐसे बुरी खबर नहीं है, दायरे को फॉलो करके चलना है।